हेलो, गुड इवनिंग। मैं मोहम्मद आफ्ताब आप सबको आज एक बार फिर फिजिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2022 में यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा वो आज मैं आपके सामने लाया हूं। और आज इसी बेस पर हम आपको कुछ अच्छी टॉपिक्स जो यूपी बोर्ड्स में शॉर्ट क्वेश्चन हो चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो उससे रिलेटेड हम आते। तो अभी तक जो हमने आपको लास्ट वीडियो बनाया था उस लास्ट वीडियो में हमने एप्सिलॉन नॉट कदीमा मात्रक और उसके विषय में और विद्युत बल रेखाओं के गुण ये सब हमने क्लियर किया। आइए आज शुरू करते हैं एक नया टॉपिक। आज हम आपको विद्युत क्षेत्र के बारे में बताएंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि आप समझते हैं इसे क्या क्या ई से प्रदर्शित किया जाता है और ये एक सदिश राशि है इसलिए वेक्टर ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है क्या, ये कॉमन सेंस है। जैसे हम किसी विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे, किसी विद्युत क्षेत्र में अगर कोई धन परीक्षण आवेश हम लेके जाते हैं तो उस धन परीक्षण आवेश के कारण जो उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है वह बल उस जो धन परीक्षण आवेश है उसके निष्पत्ति या अनुपात के बराबर होता है। जैसे हम इक्वल टू क्या होता है या पटी क्यू जीरो, क्यू जीरो क्या है, क्यू जीरो आपका है धन परीक्षण आवेश, इसे कहेंगे परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश ये परीक्षण आवेश है जो कि क्या करता है, यानी उस क्षेत्र में आकर बल उस क्षेत्र में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उत्पन्न करता है। तो हम कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसे हम कहेंगे किसी क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस धन परीक्षण आवेश के द्वारा लगने वाला बल और स्वयं उस परीक्षण आवेश का अनुपात ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। अब इसका आता है विमा और मात्रक की बात करते हैं। कैपिटल ई का विमा तथा मात्रक हम देख लेते हैं। आपको मैं सारे वीडियो दूंगा और जो वीडियो मैं दे रहा हूँ उसको आप अच्छे ढंग से तैयार करिए और अच्छे ढंग से समझिए, आई थिंक आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा फिजिक्स। बीमा निकालने के लिए जैसे हमें पता है वी नो डेट इक्वल टू क्या होता है एफ बटे क्यू जीरो। तो इसका अगर हम बीमा निकालें का बीमा तो आपका होगा एफ का बीमा बटे क्यू जीरो का बीमा। तो जो एफ का बीमा होता है वो आपके क्या होता है बीमा एम एल टी की पावर माइनस टू और क्यू जीरो का बीमा यानी आवेश है उसका ए टी होता है उसको ऊपर ले जाइए एम एल टी के पावर माइनस थ्री हो जाएगा ए के पावर माइनस वन। ये इस तरीके से आपका बना एम एल टी पावर माइनस थ्री एक पावर माइनस थ्री, ये आपका क्या हुआ, ये इसका बीमा हुआ। और जब मात्रक मैं निकालता हूँ ये तो मैंने बीमा निकाला था इसका बीमा, और जब मात्रक निकालते हैं तो मात्रक में क्या होता है जैसे वही है प्रक्रिया ई का जो मात्रक होगा ई का मात्रक जो होगा वो होगा एफ का मात्रक बटे क्यू जीरो का मात्रक। एफ का मात्रक होता है न्यूटन और किसका होता है कूलम्ब। तो न्यूटन प्रति कूलम्ब ये आपका क्या होता है इसका ई का मात्रक होता है। पर जानते हैं ई का एक और मात्रक होता है
ई का एक अन्य मात्रक भी होता है, पर वो मात्रक अभी आपको अगले वीडियो में मिलेगा। मैं बस बता दे सकता हूँ, ई का ई इक्वल टू बी बाई डी होता है, एक रिलेशन होता है, तो इसके थ्रू वोल्ट प्रति मीटर आपका एक मात्रक होगा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है कि इनमें से कौन वैद्य क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, तो ये भी देता है, ये भी देता है, ठीक है, और इनमें से कोई नहीं देता है, ये दोनों ए और बी देता है, तो आप कंफ्यूजन मत होइएगा, ये भी होता है, ये भी होता है। आई होप्स ये चीज ये आपको आज समझ आया होगा। थैंक यू।